भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो शराब पी करके चलते हुए लोगों को पकड़ें और बंद कर दें थाने के अंदर, वो गाड़ी चलाते हुए लोगों को पकड़ें और उनको दंडित करें, और वो डरे ना, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे उसका लड़का हो, अगर वो ये कहे कि मैं फलाने का लड़का हूं, और अगर वो ये कह दे कि मैं भाजपा नेता का लड़का हूं, तब तो उसके मुंह पर जरूर एक मुक्का और जमा देना। साथ में मैंने सारे इंस्पेक्टर्स को कह रही हूं कि तुम अपनी ही नीति का पालन नहीं कर रहे, अपनी ही मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति की लड़की का चालान किया था पुलिस ने, आपको पता होगा, पी करके शराब चलाते गाड़ी चलाते हुए बिल क्लिंटन की लड़की का चालान कर दिया था। हमारे यहाँ पे बेचारे पुलिस वाले डर जाते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारी पनिशमेंट हो जाएगी, वो भी धमकाने लग जाता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। तो मैं सारे पुलिस वालों को मैंने कह दिया, मेरा ये भाषण आज ऐसा बनाया है मैंने व्यवस्था की पहुंच जाएगा सब जगह पर, कि जिसने ये कहा कि बताओ तुमने मेरे को दंडित किया, अब तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें देखूंगा, उसको अगर कुछ भी ट्रांसफर पोस्टिंग में डिस्टर्ब किया गया तो मैं वहां पर जाकर के खड़ी हो जाऊंगी, फिर उसके लिए उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिसकर्मी, जैसा मेरे भैया हमेशा बोलते थे कि दबंग वो क्या, दबंग का उदाहरण देते थे ना भैया आप बहुत, कि वो तो हमेशा उत्साहित करते हैं पुलिस वालों को कि तुम दिखाओ वो सिंघम, सिंघम वाला मामला दिखाओ, और डरो मत किसी भी चीज से, और सामने बिल्कुल खड़े हो जाओ, क्योंकि इधर टाइगर बैठा है, टाइगर जिंदा है, तो पुलिसकर्मी जो है वो आराम से सिंघम हो सकते हैं, निश्चिंत हो जाए, उनकी दीदी बैठी हुई है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा वो एमएलए एमपी और उसके लड़कों का भले ही बिगड़ जाए, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कार्यवाही करिए और प्रदेश के लोगों को इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया है। अब हर जगह तो मुख्यमंत्री डंडा लेके नहीं खड़े होंगे,